आज मैंने साउथ इंडियन इडियप्पम बनाने के लिए जा रही हूँ उसके लिए एकदम फाइन पाउडर हमको चावल का आटा लेना है मैंने इधर डेढ़ कप लिया हुआ है तीन जन के लिए काफ़ी है अभी इसका अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे उसके बाद उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सब जगह पे नमक मिक्स होना है फिर थोड़ा सा सादा पानी लेकर हमको आटा बूंदना है थोड़ा थोड़ा डाल कर ही हमको आटा बूंदना है एक एक साथ पानी नहीं डालना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर हम लास्ट में दिखाती हूँ बूंदने के टाइम ध्यान रखना एक ज़्यादा टाइट भी नहीं होना है बहुत लूज भी नहीं होना है तो हम पहले बूंदू फिर दिखाती हूँ आटा एकदम सॉफ्ट हो गया हमने अच्छे से भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और मुलायम है अभी हमको क्या करना है उसका ऊपर थोड़ा सा मैंने इधर कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ आपको कोई भी तेल लगा लगा सकते हैं घी चाहिए भी लगा सकते हैं नॉर्मल सबके घर पे तेल ही यूज़ करते हैं इसलिए मैंने इधर कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ एक बार सब जगह पे उसको अच्छे से लगाना है और उसके बाद जो मशीन है हमारा सज्जा वो लेकर उसका अंदर भी ऑयल से क्रिस करना है उसके बाद जो बारिक वाला चटनी जैसा जो दिखता है वो ही हमको उसका अंदर डालना है उसका होल एकदम छोटा वाला चाहिए तो ये अच्छे से उसमें से निकलने के लिए हमने आटा इतना सॉफ्ट बांध कर रखी हुई है अभी जो डिश हम वल, रखने के लिए जा रही हूँ वो डिश भी हमको तेल से ग्रीस करना है तो मैंने पहले से ग्रीस कर कर रखी हुई हूँ अभी थोड़ा थोड़ा आटा लेने के बाद जो सेव का मिशन है वो सबके घर पे अवेलेबल है वो मशीन लेकर उसका अंदर हम डालकर निकाल देंगे उसका अंदर से एकदम प्रेस किया तो इस तरीके से आने के लिए शुरू हो जाएगा अभी आप लोग देख सकते हैं नूडल्स जैसा आ रहा है अभी बहुत ही बरना ने उसका स्पेस के हिसाब से ही हमको करना है पहले से ही मैंने गैस का ऊपर पानी गरम करने के लिए सिम में रखी थी अभी अच्छे से पानी गरम हो गया अभी हम जो डिश है वो उसका अंदर रख कर दे देते हैं और हाई फ्लेम में दो मिनट और सिम में तीन मिनट हमको रखकर पकाना है टोटल पाँच मिनट तक और पानी उसका अंदर डालने के टाइम में ध्यान भी रखना बाकी बचा हुआ लोग तुरंत नहीं बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा गीला कपड़ा में बांध कर रखना पड़ेगा अगर नहीं शाम को बनाते हैं या दूसरा दिन बनाते हैं तो इसको जरूर आप फ्रिज में रख दीजिए मैं तो अभी बना रही हूँ पचा हुआ आटा मैंने इडली का मोल्ड में बना रही हूँ उसका शेप तो गोल-गोल मिलेगा और कुछ नहीं टेस्ट तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है पाँच मिनट हो गया ढक्कन निकाल कर हम देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है वो तो अभी उसका अंदर ही नहीं रखना उसको निकाल कर बाहर हमको रखना है ठंडा होने के बाद ही वो डिश में चेंज कर सकते है पे हम देखते हैं दूसरे भी अच्छे से पक गया पकने के बाद हमको देखते हैं तो पता चलता है तो गैस बंद कर लेती हूं इसका अंदर ही नहीं रखना इसको बाहर निकाल कर हमको रखना है ये भी ठंडा होने के बाद हम डिश में रखेंगे ऊपर एक टेबल स्पून चीनी फ्रेश नारियल डालकर दूध के साथ खा सकते हैं